ऐसे है कि पाकिस्तान में और इंडिया में जब कोई मेहमान आता है तो हम क्या पूछते हैं, आप ठंडा लेंगे या गर्म? या कुछ लोग पूछते हैं कि यार आप ठंडा लेंगे या चाय? तो कोक ने आज से कुछ साल पहले ना एक कंपेन चलाया था। उस कंपेन का नाम था ठंडा मतलब कोका कोला। लोगों के दिमाग में ये डालना था कि जब कोई ठंडा मांगेगा तो उसका मतलब कोका कोला मांगेगा। दुकानदार को भी टारगेट किया, कस्टमर को भी टारगेट किया, कंज्यूमर जो होता है उसको भी, सभी को उसने टारगेट किया। एड्स या कमर्शियल ऐसे बनाए कि वो जाके कहता है कि जनाब मुझे ठंडा दे दो, तो वो उसको कभी मरिंडा उठा के देता है, वो कहता है यार ठंडा मांगा है, तो वो कभी उसको सेवन अप देता है, कभी स्प्राइट देता है, बगैर लेबल की बोतलें देता है। तो वो कहता है भाई मैंने ठंडा मांगा, वो कह रहा भाई ये सारे ठंडे ही तो हैं, उसने कहा ठंडा ठंडा मतलब कोका कोला, तो वो कोका कोला निकाला। अच्छा कोका कोला, तो लोगों के दिमाग में डाल दिया उसने कि ठंडे का मतलब ही कोका कोला है। तो ये इतनी हिट कंपेन गई कि जब भी कोई मेहमान आके पूछता था, और मेहमान आके बैठता था, तो वो पूछते थे कि भाई आप ठंडा लेंगे या गर्म, तो गरम मतलब चाय, ठंडा मतलब कोक। तो एक ना सिंबल बन गया, जोड़ दिया उन्होंने ठंडे के साथ, तो उसकी सेल एकदम से बूस्ट की, बहुत ज़्यादा सेल हुई। तो ये भाई जो है ये बर्तन के साबुन का काम करना चाह रहे हैं। नहाने वाले साबुन में क्या होता है कि लोग आके पूछते हैं, दुकानदार को कहते हैं कि हमें लक्स दे दें, लाइफ बॉय दे दें, कैपरी दे दें, डव दे दें, जबकि बर्तन वाले साबुन में क्या होता है, वो आके कहते हैं बर्तन धोने वाला साबुन दे दें, नाम नहीं लेते। शहरी इलाकों में फिर भी होता है कि वो मैक्स दे दें या कोई चीज़ दे दें, लेकिन देहात में 90% ऐसे होता है कि वो जाके कहते हैं कि बर्तन धोने वाला साबुन दे दें। तो मैं भाई को मशवरा ये दे रहा हूँ कि अपना ट्रेडमार्क ही वही रख लें, नाम ही वही रख लें, बर्तन धोने वाला साबुन। मतलब जब कोई आके मांगे बर्तन धोने वाला साबुन, तो पड़ा ही वो हो ना उसी नाम का साबुन, बर्तन धोने वाला साबुन, दुकानदार वही उठा के देंगे कि ये ले भाई बर्तन धोने वाला साबुन तो ये है। तो नाम जो है ये बड़ा मानी रखता है, किसी भी चीज को सिंबॉलिक कर देना वो सेल्स बढ़ा देते हैं। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, इधर बर्तन धोने वाला साबुन मांगे तो ब्रांड नेम भी बर्तन धोने वाला साबुन हो तो वो जुड़ जाएगा साथ, सेल बढ़ जाएगी। जैसे एक भाई है, उन्होंने हम दुकान पे जाके जब पानी मांगते हैं तो हम क्या कहते हैं, पानी दे दो, ठीक है? तो उस भाई साहब ने क्या किया, अपनी प्रोडक्ट का नाम ही पानी रख दिया। अब वो क्या, पानी दे दो, वो जाते हैं और पानी उठा के, ब्रांड पानी उठा के उसको दे देते हैं, तो उसने उसको जोड़ दिया, तो उसकी सेल जो है वो काफ़ी बढ़ गई। तो इसी तरह से आप अपने अगर ब्रांड नेम को सिंबॉलिक कर देते हैं, किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं जो ऑलरेडी कस्टमर मांग रहा होता है, और वो ट्रेडमार्क मौजूद नहीं होता, वो आप ले लेते तो आपकी सेल्स बढ़ जाए। थैंक यू।